नमस्कार दोस्तों, मैं रामधन और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने ताहिर भाई को, जिनकी फिल्म रिलीज हो रही है आज के दिन तिशनगी। आइए आज उन्हीं से कुछ करते हैं कुछ खास। ताहिर भाई, जैसे कि आज के दिन अपने यहाँ की दो फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें संजय मेहता सर हैं उमिता, और एक फिल्म आपकी रिलीज हो रही है जिसमें आपने निगेटिव रोल किया हुआ है जी। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे आपके रोल के बारे में और फिल्म के बारे में? हाँ, जैसे कि इसमें जो मैंने कैरेक्टर किया है उसका नाम है दीपक। दीपक नाम का कैरेक्टर मैंने इसमें प्ले किया है और नेगेटिव कैरेक्टर है। कैरेक्टर का उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जो क्लिक होने वाली चीज़ होती है, क्लिक होने वाला कैरेक्टर है, एस्टेब्लिश कैरेक्टर है, और फिल्म का टर्निंग पॉइंट जो है वो मेरे कैरेक्टर से ही है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है समीर खान, और इसके राइटर मंजर बलियावी, और गूफी कंपोज़र जो कि मुंबई के हैं। और इसमें जो लीड कैरेक्टर कर रहे हैं वो है कैश तनवीर, और स्टार कास्ट में अपना आर एन वेद जी और राजपाल यादव जी और कायनत अरोड़ा, इसमें जिन्होंने आइटम सॉन्ग किया है, और काफ़ी इससे पहले भी वो काफ़ी काम कर चुकी हैं, जैसे अपना खट्टा मीठा और ग्रैंड मस्ती और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसमें उन्होंने आइटम सॉन्ग किया है नगद वाले हाय और उधार वाले बाय। अच्छा, अपने भोपाल के किन किन लोगों ने इसमें काम किया आपके साथ? भोपाल के कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे एक कमिश्नर का कैरेक्टर किया है अपने सईद भाई, सईदुद्दीन, और कई फिल्मों में भी काम भी किया। हाँ, इससे पहले भी वो काफ़ी काम कर चुके हैं और थिएटर में भी काफ़ी प्ले किए उन्होंने। और अंजना तिवारी जी, उनका क्या रोल था? उनका माँ का कैरेक्टर है इसमें। अच्छा। और अपने टीना करके है बंदी, टीना मिश्रा शायद सर ने, मुझे याद नहीं है सॉरी, वो है मंजू कनाडिया, रिमी सेन, बस इन्हीं लोगों ने कैरेक्टर किया है। और ये शूटिंग कब हुई थी अपने यहाँ पे? शूटिंग करीबन होगा इसको 8 महीने पहले शूटिंग हुई थी। 8 महीने पहले हुई। भोपाल में इसका 50% शूट हुआ है और बाकी इसका शूट मुंबई में हुआ है कुछ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ का लाइन प्रोडक्शन किसने किया था? यहाँ का लाइन प्रोडक्शन इसमें पहले कार दीपक देवीदास फैगवार जो थे, कि उनके फादर एक्सपायर होने की वजह से वो काम फिर जी इंटरटेनमेंट के पास चला गया। जैद भाई, जोएब भाई ने उसके बाद ये काम देखा है। पहले दीपक भाई लोग के पास ये काम आया था, तो उनके फादर एक्सपायर होने की वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो फिर जी इंटरटेनमेंट ने बाकी का लाइन प्रोडक्शन इसका देखा था और उन्होंने पूरा कंप्लीट करवाया था। ऑलमोस्ट शूट तो हो चुका था कंप्लीट, लेकिन सॉन्ग उन्होंने ही करवाया, बाकी पूरी शूटिंग दीपक देवीदास फैगवार ने करवाई थी। और आपकी इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं? जी, अब उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, मतलब कि मेरी भी पहली फिल्म है और मेरे को एक्टर जो हैं कैश तनवीर और अनुष्का श्रीवास्तव, जो कि डेली सॉप एक्टर हैं, और चंद्र नंदिनी क्यू ने हम एनटीवी पे और काफ़ी सारे सीरियल्स किए उन्होंने, लेकिन उनकी सिल्वर स्क्रीन पे ये पहली फिल्म है। तो मैं इस फिल्म को लेके तो ये करूँगा दुआ कि मेरे लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो। क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से कि आप फिल्म देखने जाएं, बोलना चाहेंगे? बोलना तो चाहूँगा दर्शकों से कि फिल्म देखने जाएं, काफ़ी अच्छी फिल्म है और एक तरीके से हम लोगों के लिए ग्रैंड रिहर्सल टाइप पे है, और हम उम्मीद ये करेंगे कि हमारी ये रिहर्सल की तरीके से जो फिल्म है वो उस लेवल पे जाए। हालांकि हमें मालूम है कि वो उस लेवल की फिल्म नहीं है, कि जिस लेवल की जैसे यशराज प्रोडक्शन और ये, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिल्म अच्छे लेवल पे जाए और दर्शकों को पसंद आए। और फिल्म में जो लीड कैरेक्टर कर रहे हैं कैश तनवीर, वो हीरो जरूर हैं, लेकिन कैरेक्टर उनका नेगेटिव है, क्योंकि वो साइको किलर बने इस फिल्म में, और मर्डर जितने भी किए उन्होंने किए हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही मर्डर है, वो है हीरो का, वो भी मैं हीरो को मारता हूँ सिर्फ, बाकी तो पूरे मर्डर उन्होंने किए हैं। मेन विलन तो हीरो ही है हमारी फिल्म का, साइको लवर जी। तो और मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे भी आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कि? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट मेरा एक जी म्यूजिक के लिए मैं एक सॉन्ग कर रहा हूँ, कैसे तूने कहा मैं तुझे दुबला, ये सॉन्ग कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ प्लान और है, एक सॉन्ग का और है वसीम खान जी, जो मेरे
मतलब टीचर हैं सर, जिन्होंने मुझे एक्टिंग वर्कशॉप दी है, जिनके पास मैंने क्लास लिए स्वाभिमान शिक्षा समिति की ओर से। और अभी तनवीर अहमद के साथ एक मैं प्ले करना चाहता हूँ जो कि मेरे सर हैं, पिछले 3 साल से मैं उनके साथ थिएटर कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन थिएटर से भी ज्वाइन हूँ मैं और स्वाभिमान शिक्षा समिति की तरफ से भी मैंने कई प्ले किए हैं, जैसे बरकतुल्ला भोपाली और पप्पी कबाड़ी, हीरापुर का हृदयशाह और बख्तावर सिंह और राम श्याम जैदू, ये सारे प्ले में कर चुका हूँ उससे पहले। दर्शकों देखो, आज हमने आपको मिलाया है ताहिर भाई से। ताहिर भाई के साथ हमने भी साथ में शुरुआत की थी और ताहिर भाई को अच्छी फिल्में मिल गई, मुबारक हो आपको। शुक्रिया। और हम आशा करते हैं ताहिर भाई ऐसे और भी फिल्में काम करें और एक से अपना नाम ऊंचा करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।